मॉर्निंग बच्चों, इसी अपना पीसीएम ही चल रहा था और पीसीएम में अपन ने फर्स्ट चलो केमिस्ट्री का जो पोर्शन था उसमें अपन ने फर्स्ट चैप्टर उस केमिस्ट्री का कंप्लीट कर लिया था। उस केमिस्ट्री में था कार्बनिक यौगिक, खत्म हो गया था अपना। अपन ने एल्डिहाइड पढ़ा, कीटोन्स पढ़ा था, उसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस पढ़े जो उस चैप्टर के अकॉर्डिंग थे। उस चैप्टर को अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज अपन जैसे कि पीसीएम में केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर्स लेते हैं और उस चैप्टर्स का नाम है, आप सब लोग जानते हो, जैव रसायन या फिर बायो केमिस्ट्री। ठीक है, इसके अंतर्गत अपन क्या पढ़ेंगे, या बायो रसायन क्या होती है, बायो केमिस्ट्री क्या होती है, जैव रसायन क्या होती है, इसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, प्रोटीन्स पढ़ेंगे, विटामिन्स पढ़ेंगे, लिपिड्स, वसा, इस टाइप के जो जैव रसायन में जैविक अणु होते हैं, कार्बनिक अणु, उन अणुओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो जैव रसायन की हल्की सी कहानी देख लेते हैं कि जैव रसायन जो शब्द है, या पहले इसका जनक किसे कहा जाता है जैव रसायन का, या फिर इसका वैज्ञानिक जिसने सबसे पहले इसकी खोज की होगी, हल्की सी कहानी इसकी बना लेते हैं। उस वैज्ञानिक का नाम था अपना कार्ल न्यूबर। ठीक है, कार्ल न्यूबर के लिए जैव रसायन का फादर कहा जाता है या फिर जनक कहा जाता है, ये आपको हल्का सा यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, कार्ल न्यूबर एक वैज्ञानिक था, उसने जैव रसायन के बारे में सबसे पहले सिस्टमेटिक तरीके से उसका वर्णन किया था, इसलिए अपन इसे जैव रसायन का फादर कह सकते हैं, फादर ऑफ बायो केमिस्ट्री। ठीक है, उसका नाम क्या है अपना, कार्ल न्यूबर, ये आपको ऑब्जेक्ट में मिल जाएगा। कार्ल न्यूबर किसका फादर कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि अपना जैव रसायन का इन्हें फादर माना जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जैव रसायन होती क्या है, या जैव रसायन में हमें पढ़ना क्या है। देखें, जैव रसायन विज्ञान की एक शाखा है, या जैव रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं, किन चीजों का अध्ययन करेंगे, उनमें हम करेंगे जीवित कोशिकाओं में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ, उनके रासायनिक पदार्थ, जीवित कोशिकाओं के रासायनिक पदार्थ किससे कोशिकाएं मिलकर बनी है। ऐसे कि अपन अपनी कोशिकाओं की बात करें, सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका अपने शरीर की, वो किससे मिलकर बनी है, उसका रासायनिक संगठन क्या है, और वो किस प्रकार से प्रतिक्रिया करती है, जी अपन सबको क्या पढ़ना है, जैव रसायन में पढ़ना है। जैव विज्ञान, जैव रसायन की डेफिनेशन क्या होगी, जैव रसायन जीव विज्ञान की एक शाखा है, इसके अंतर्गत हम रासायनिक पदार्थों और कोशिकाओं की जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। जीवित कोशिकाओं के रासायनिक पदार्थ और जैविक जो प्रतिक्रिया होती है अपनी कोशिकाओं के अंदर, उन क्रियाओं का अध्ययन करेंगे, उसे क्या बोलते हैं अपन, जैव रसायन। जैसे कि फादर बोला, इसका फादर किसे कहा जाता है, कार्ल न्यूबर के लिए। ठीक है, जैविक कोशिकाओं या उनकी जैव रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अपन क्या बोलते हैं, जैव रसायन। जैसे कि अब जैव रसायन तो अपन ने पढ़ लिया, अब जैव रसायन में जैसा कि अपना पहला टॉपिक जो आता है और वो है अपना कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अपन इसमें क्या पढ़ेंगे, पहले सबसे पहले नंबर में पढ़ते हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं तो उसकी हर की चैप्टर को समझ लेगी। इंट्रो था, अपन ने समझ लिया कि जैव रसायन क्या होते हैं, ऐसे चीजों का अध्ययन करेंगे, इसमें हम जैविक प्रतिक्रियाओं की संबंधित अध्ययन करेंगे और जीवित कोशिका जो बनी हुई है वो किस रासायनिक संगठन की बनी है, उनकी भी अपन चर्चा करेंगे। तो पहले अपन देखते हैं कि जैव रसायन में जैविक अणुओं में क्या आएगा अपना, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, पहले जैसे कि क्या है अपन, उसमें क्या पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ना है इसी में, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन भी पढ़ना है अपने लिए इसी में। ठीक है, वसा भी पढ़ना है, लिपिड भी पढ़ना है। ठीक है, विटामिन भी पढ़ना है। ऐसी चीजों का अपन इनमें सिस्टमेटिक तरीके से एक एक को लेते चलेंगे। जैसे कि अपन पहले ले लेते हैं जैव रसायन में अपना जो टॉपिक दिया है और वो है कार्बोहाइड्रेट। अब यहां से अपना एक चैप्टर शुरू होता है।
जैसे कि अपन इसकी अब संधि विच्छेद करें बच्चों की कार्बोहाइड्रेट होते क्या है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जैसे कि आपको अपना इसका अपन क्लासिफाई करें कार्बो प्लस हाइड्रेट, मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन और कार्बन के हाइड्रेट या ऑक्साइडों से मिलकर बने हों उन्हें अपन क्या बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। यदि ये डेफिनेशन समझ में नहीं आई हो तो आप इसको दो तरीके से तोड़ सकते हो। देखिए कार्बो ठीक है प्लस हाइड्रेट, ठीक है कार्बोहाइड्रेट, कार्बन का मतलब होता है कार्बन, हाइड्रेट का मतलब होता है एच, मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ उसके यौगिकों के साथ मिले, कार्बोहाइड्रेट है ना, हाइड्रेट मतलब ऑक्साइडों से मिलके बने हो, ऑक्साइड हाइड्राइड उनसे मिलके बने हो उन्हें अपन बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। इसकी डेफिनेशन आपको फर्स्ट केमिस्ट्री का जब लेक्चर लिया था कि हाइड्रेट का मतलब कैसे होते हैं उसका मतलब आप उस वाली वीडियो में देख ले, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या हुए, एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ है जो किसमें किससे मिलके बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बन और हाइड्रोजनों के यौगिकों से मिलके बने होते हैं उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। अब जैसे की बात अपन ने इसकी विच्छेद तो कर लिया, इसका कार्बोहाइड्रेट की हल्की सी डेफिनेशन समझने के लिए अपन ने बना ली। अब बात कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट होंगे क्या, ये तो अपन ने देखिए बने ऐसे हैं, इसका और अधिक रासायनिक संगठन देखेंगे किस प्रकार से और चीजें से मिलके बना हुआ है। देखें और इसमें केमिस्ट्री अपन इसका रासायनिक संगठन देखें तो ये इसमें क्या क्या मिलेगा, हमें हाइड्राइड मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा और कीटोनिक समूरी, जिसको अपन कैसे लिख सकते हैं जैसे कि अपन ने बॉन्डों का मतलब उस वाले चैप्टर्स में पढ़ लिया है केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में जहां अपनी केमिस्ट्री शुरू हो रही थी। तो मतलब कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से क्रियात्मक समूह उपस्थित होंगे, हाइड्रोक्साइड होंगे, एल्डिहाइड होगा और कीटोनिक समूह जैसे कि प्रेजेंट होंगे। मैं यदि आपको एग्जांपल दूं इस वाले में इन क्रियात्मक समूह के लिए कि ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछा जाता है आपके ऑब्जेक्टों में C6H12O6 होता है। ठीक है, यदि मैं आपसे दूसरा कहूं कि C6H12O6 ये ग्लूकोज है और ये फ्रुक्टोज है और दोनों क्या है कार्बोहाइड्रेट है, तो आप उन्हें कैसे पहचानेंगे केमिस्ट्री में, किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे, तो अपन इनको क्या देखेंगे कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखेंगे, इनमें अंतर भी करेंगे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। ये ग्लूकोज है और ये अपना फ्रुक्टोज है, अब जैसे कि आपको स्ट्रक्चर सॉरी इसका फॉर्मूला तो एक सा दिख रहा है C6H12O6। अब आप किसे एक ग्लूकोज कहोगे और किसे फ्रुक्टोज करेंगे, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट में हमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप मिलेगा, एल्डिहाइड हम उसे बोलेंगे ग्लूकोज और जिसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होगा प्रेजेंट अपन उसे बोलेंगे कौन सा फ्रुक्टोज। अब जो क्या है अपन दोनों अपन आगे विशेष चैप्टर चलता चलेगा उसके अपन अकॉर्डिंग पढ़ते चले, हल्की सी यहाँ कहानी रखना, इसमें हाइड्रोक्सिल समूह भी उपस्थित होता है, एल्डिहाइड समूह भी उपस्थित होता है और कीटोनिक समूह भी उपस्थित होता है। जैसे कि याद नहीं आ रहा है एक बार क्वेश्चन एमपी बोर्ड ने पूछा था कार्बोहाइड्रेट में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, तो उसमें से इनमें से एक ऑप्शन में था और तीन ऑप्शन में नहीं थे, ऐसे कभी कभार इसका क्वेश्चन पूछ लेता, आपको ध्यान रखना है हाइड्रोक्सिल भी होगा, एल्डिहाइड भी प्रेजेंट होता है और कीटोन भी इसमें क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट पहले अपन ने पढ़ लिए कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं उनमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कार्बनिक जो कार्बोहाइड्रेट है उसका सामान्य सूत्र क्या होता है, यानी सामान्य सूत्र की बात करें अपन इसकी, देखिए सामान्य सूत्र क्या होता है CH2O है। अब ये कैसे है जरा गौर करके वाली बात है, आप ध्यान देखना C6H12O6 जैसे कि ये इसका फॉर्मूला है अपना ग्लूकोज का देखो इसमें यदि अपन रेशियो निकालें तो आपको कुछ दिख रहा है, एन मतलब क्या है नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की है, सी आपको कितना दिख रहा है एक दिख रहा है, ठीक है हाइड्रोजन कितने अणु दिख रहा है इसमें दो और ऑक्सीजन कितना दिख रहा है एक, तो दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कार्बोहाइड्रेट में क्या होते हैं कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है अनुपात होता है, तो
किस अनुपात में होता है? 1:2:1 के अनुपात में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं। यहां तक क्लियर है? अब जरा क्या इसमें 1:2:1 के अनुपात में है, देख लेते हैं। देखें कार्बन 6 एक इसको कर लेंगे अपन 1:2:1 इसी में आ जाएगा 121 1:2:1 इसी के अनुपात में है। मतलब कहने का इसका सामान्य सूत्र CH2O वो लाइन होता है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है अनुपात होता है वो अनुपात कितना होता है 1:2:1 के अनुपात में होते हैं कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसे अपन क्या बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। यहां तक क्लियर है? अब कुछ इसके बारे में अपन और देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होंगे। देखें जिसमें इसके लिए फंक्शनल ग्रुप अपन ने देखा कौन कौन से थे, सी डबल बॉन्ड हो इसी को अपन बोलते हैं कीटोन, ठीक है, इसको अपन दूसरी भाषा में लिख सकते। इसका मतलब क्या है, जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में अपन ने इसको पढ़ लिया था सी डबल बॉन्ड ओ एच मतलब CHOaldehyde। ये बच्चे जी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए केमिस्ट्री में, यदि आप इन तीन फंक्शनल ग्रुप को समझ गए तो आसानी होगी आपको पूरी केमिस्ट्री समझने में। तो आप रट्टा मार लो यदि आपको समझ में नहीं आई हो, जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से बताया कि एल्डिहाइड कीटोन्स कैसे बने, कैसे इनका अंग योगदान रहेगा केमिस्ट्री में, तो इनको आप बिल्कुल रट लो CHO मतलब CO और COOH कार्बोक्सिल गैस है कीटोन एल्डिहाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पूरे चैप्टरों में इन्हीं के बेस इन तीन फंक्शनल ग्रुप के आगे पीछे घूमेंगे पूरी केमिस्ट्री का चैप्टर। जैसे कि अब इसमें क्या है, अभी मैंने देखा हाइड्रोक्सिल OH होता है, कीटोनिक होता है और एल्डिहाइड। अब कभी आपने कार्बोहाइड्रेट को नाम ऐसे लिखा तो सुना होगा आपकी बुकों में या पढ़ा होगा, जिसमें एल्डिहाइड होता है उसे अपन बोलते हैं एल्डोसेन और जिसमें कीटोन होता है उसे कीटोनेस बोलते हैं। जिसमें सीधी बात इसमें जिस कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा उसे क्या बोलेंगे एल्डोनेस, जिसको कीटोन होगा उसमें बोलेंगे अपन कीटोनेस, ठीक है। यहां तक क्लियर है? पूछे जाते हैं जिसमें कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है इसे अपन एल्डोनेस बोलेंगे, उसे बोलेंगे एल्डिहाइड। इसमें कार्बोहाइड्रेट है उसे एल्डोनेस बोलेंगे, जिसमें कीटोन है उसे कीटोनेस बोलेंगे। यहां तक कार्बोहाइड्रेट की हल्की चर्चा अपन ने कर ली कि कार्बोहाइड्रेट के रासायनिक किस किस रासायनिक संगठन किस किस प्रकार से उनका होता है। अब देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप्स के होते हैं। यदि अपन कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण देखें कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण होता है दो प्रकार से, एक होता है सरकरण और एक होता है अपना असरकरीय या फिर अपन उसी को बोलते हैं सरकरा। एक हो गया कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण अपन किसके आधार पर कर रहे हैं, ये विलेयता के आधार पर अपन इसका क्या कर रहे हैं वर्गीकरण कर रहे हैं, किसके भौतिक गुणों के लिए वर्गीकरण करेंगे इसके आधार पर अपन आणविक संरचना के आधार पर भी अपन इसका क्या करेंगे वर्गीकरण करेंगे। जो अपन वर्गीकरण कर रहे हैं किसके आधार पर किया है, अपने विलेयता के आधार पर, किसके आधार पर विलेयता के आधार पर, एक आ गया सरकरा और दूसरा आ गया असरकरा। किसका वर्गीकरण करना है अपन कार्बोहाइड्रेट का, और कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण अपन किसके बेस पे किया अपने विलेयता के आधार पर, मतलब उसमें विलेय हो जाए कोई चीज जल में उसे अपन सरकरा बोलेंगे और एक एक किस्में बांटा उसे असरकरा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब सरकरा कौन सी होती है, सरकरा के कुछ भौतिक गुण भी अपने पता होना चाहिए, रासायनिक गुण भी पता हो करेंगे अपन और उसके भी करेंगे, लेकिन अपन इसकी कुछ गुण देख लेते हैं कि सरकरा क्या होगी। ये स्वाद में मीठे होते हैं या क्या होते हैं, ये स्वाद में मीठे होते हैं पहला पॉइंट। दूसरा क्या होगा, एक जल में
विलेय होती है, उनके गुण क्या है, जल में विलेय होते हैं। अब इनकी पहला पॉइंट जैसा कि क्या लिखा शर्करा का, इस स्वाद में मीठे होते हैं, और दूसरा क्या लिखा अपन ने, एक जल में विलेय होते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? अब इसकी बात कर लेते हैं कि ये क्या हो, ये जल में विलेय होता है, और अशर्करीय जो होता है वो जल क्या होता है, जी क्या होगा, पहला पॉइंट बना लेते हैं, ये जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं, ठीक है। ये शर्करा जो होती है जल में विलेय हो जाती है, और अशर्करीय होते हैं या अशर्करा होते हैं वो जल में अविलेय होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होते हैं, जिस स्वाद में अपन ने मीठे लिखे थे वो स्वादहीन होते हैं, जिसका दूसरा अंतर क्या हो जाएगा इसमें, दूसरा अंतर हो जाएगा कि स्वाद में लेते हैं स्वादहीन होते हैं, ये आपको समझ में आ गया। कार्बोहाइड्रेट का अपन ने विलेयता के आधार पर दो भागों में बांटा, एक शर्करा और दूसरा अशर्करा। शर्करा जो होती है स्वाद में मीठे होते हैं, और अशर्करा होती है जो क्या होते हैं, स्वादहीन होते हैं। ये कैसे होते हैं, जल में विलेय होते हैं और ये जल में अविलेय होते हैं, ये आपको यहाँ तक आ गया। तीसरा, यदि अपन इसके कुछ एग्जाम्पलों की बात करें कि शर्करा में हम किसे रखेंगे, तो उदाहरण में अपन इसको देख लेते हैं। विधान इसमें आएगा अपना ग्लूकोज, फैक्ट्रोज। क्या आप ग्लूकोज को पानी में घोल सकते हैं? बिल्कुल, यदि आप ग्लूकोज को पानी में डालोगे तो ग्लूकोज घुल जाता है, इसलिए वो कौन सी है, शर्करा। स्वाद में मीठा भी होता है। अब बात कर लेते हैं अशर्करा, मतलब अशर्करा कौन से आएंगे, तो जल में अविलेय होंगे, मतलब जल में नहीं घुलेंगे। आप फिर क्या होगा, ये स्वादहीन होते हैं। तो ऐसी अगर बात करें कौन से होते हैं, सेल्युलोज, काइटेन, वो सब किस में आते हैं, अशर्करीय में आते हैं अपने, सेल्युलोज। ये आपको समझ में आ गया होगा शर्करा और अशर्करा में, इसके आप उदाहरण अच्छे से ध्यान रखें, ग्लूकोज और फैक्ट्रोज होता है, ठीक है। उसमें रखें आप, उसमें काइटिन भी है, सेल्यूलोज भी है, इस टाइप के जो होंगे वो कौन से कार्बोहाइड्रेट होंगे, अपने अशर्करीय कार्बोहाइड्रेट होंगे, ठीक है। जी आपको विलेयता के आधार पर वर्गीकरण समझ में आ गया। दूसरा वर्गीकरण करते हैं अपन कार्बोहाइड्रेटों का, नोट कर लेना आप इसके लिए, जहां अपना बेस बनता चला है कार्बोहाइड्रेट को, और अपन अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें जो काम आएगा, कोई जल में विलेय होगा कार्बोहाइड्रेट, जैसे अपन स्टार्च के रोल लिखेंगे उसमें लिखेंगे या जल में अविलेय होता है, या ग्लूकोज फैक्ट्रोज में अंतर करेंगे, तो कुछ काम आएंगे आपके लिए, ये पॉइंटों को आप नोट कर लेंगे। अब अपन किसकी संरचना के आधार पर करें, इसकी आणविक संरचना के आधार पर वर्गीकरण करते हैं कार्बोहाइड्रेट का। आणविक संरचना के इसका अपन वर्गीकरण कर लेते हैं कि कार्बनिक में आणविक संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपने बहुत बार नाम सुना होगा मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड, इस टाइप के नाम सुने होंगे। पहला होता है मोनोसैकेराइड, पहला कौन सा बताया, मोनोसैकेराइड। दूसरा होता है पॉलीसैकेराइड, और तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। ठीक है,
आणविक संरचना के आधार पर अपन ने कार्बोहाइड्रेटों को तीन भागों में बांटा, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अब मोनोसैकेराइड क्या होंगे, ओलिगोसैकेराइड क्या होंगे और पॉलीसैकेराइड क्या होंगे, ये अपन आगे लेक्चर में एक एक का अंतर देखेंगे और किस प्रकार आंतरिक संरचना भी देखेंगे इसकी, आणविक संरचना किस प्रकार से आणविक संरचना के आधार पर बने, इनको अलग अलग भागों में बांट के अपन लोग पढ़ते हैं, जो सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है,